ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है सनम आज से मैं तुम्हारी हाय सदा। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज है ना, मैं चिकन चिली बना रही हूँ यहाँ पर। तो चिकन चिली बनाने के लिए मैंने बस थोड़ा सा बोनलेस चिकन ले लिया है, उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी चिकन चिली उतनी कोई खास बनती है नहीं। मैं बस बना देती हूँ, लेकिन मुझे खुद को उसका टेस्ट उतना कोई खास अच्छा लगता है नहीं। अगर आपके पास मेरे लिए कोई टिप्स और रिकमेंडेशन हो ना, तो आप मुझे ज़रूर से बता सकते हो। अच्छा, तो एक एक चम्मच है ना, मैंने इसके अंदर रेड चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस ले लिया है, और मैंने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। और अभी इसके अंदर है ना, मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी, और फिर इसके बाद में मैं इसको मिक्स कर दूंगी और बाद में तल दूंगी। लेकिन थोड़ा सा मैंने मैरिनेट करने के लिए भी छोड़ दिया। नाउ आई नो कि बहुत सारे लोग इसके अंदर रंग डालते हैं, मैं नहीं डालती। सब्जियों के लिए मैंने यहाँ पर प्याज, गाजर और शिमला मिर्च ले ली है, उनको बड़े बड़े पीसेज में मैंने काट लिया है। चिकन मेरा यहाँ पर आई थिंक मैरिनेट हो गया है, तो अभी मैं इसको तलना स्टार्ट कर दूंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई ले ली, उसके अंदर भी बस तेल ऐड कर दूंगी और फिर उस चिकन को तलना स्टार्ट कर दूंगी। मैंने काफ़ी है ना, काफ़ी तरीके से चिकन चिल्ली बनाने की कोशिश की। मुझे लगता है मुझे शायद इसके अंदर थोड़ी शेजवान चटनी वगैरह भी ऐड करनी चाहिए थी, बिकॉज पता नहीं मुझे उतनी टेस्टी नहीं बनती है। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर चिकन के पीसेस को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि ठीक ठाक खा सकते हो। ओके, ठीक ठाक से थोड़ा ऊपर मैं कहूंगी एवरेज, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। आई मीन टेस्टी होती है, लेकिन उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं होती। मतलब जैसे दुकान पर मिलती है उतनी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। जो भी है, यहाँ पर मैंने अभी चिकन को फ्राई करके रख लिया है और ग्रेवी बनाऊंगी अभी यहाँ पर मैं। ग्रेवी के लिए अगेन मैं यहाँ पर से थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लूंगी, उसी में से तेल थोड़ा सा कम कर लिया इसके अंदर, और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया मैंने इसके अंदर। अभी उसको मैं अच्छे से सॉटे कर लूँगी, फिर इसके अंदर मैं सब्जियाँ डाल दूँगी और फिर उनको भी मैं अच्छे से सॉटे कर लूँगी। और सब्जियों में कैप्सिकम, मतलब सब्जियाँ अच्छी लगती है मेरे वाले चिकन चिल्ली की रेसिपी में। यहाँ पर ही अक्खा रह गया, इसको मैं तोड़ के फिर डाल दूँगी अंदर। सब्जियों को बस मैं यहाँ पर अच्छे से सॉटे कर लूँगी। बाय द वे, ये रंग कितने सुंदर दिखता है ना। और अभी ग्रेवी के अंदर दोबारा से रेड चिल्ली सॉस ले रही हूँ मैं। ग्रीन चिल्ली सॉस भी आई नो बहुत सारे लोग ऐड करते हैं, मेरे पास वो है नहीं तो मैंने नहीं डाला। यहाँ पर मैं इसके अंदर वही सोया सॉस और थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दूंगी, और फिर इसके बाद इसको अच्छी तरीके से सॉटे कर लूंगी अगेन हाई फ्लेम के ऊपर। और फिर इसके अंदर है ना, मैं डायरेक्टली अपना जो चिकन है ना वो ऐसे ही डालने वाली हूँ, क्योंकि मुझे उतना ग्रेवी वाला बनाना नहीं था। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ रह गया था एक्स्ट्रा, मैं उन्हें निकाल दूंगी और फिर उसके बाद में डायरेक्टली चिकन ऐड कर दूंगी, और फिर उसके बाद में अगेन इसको सॉटे कर दूंगी। और ये बचा हुआ जो जो मैरिनेट किया हुआ जो पानी था ना, मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिया। और अभी इसको थोड़ा और पकने के लिए दे दूंगी, फिर उसके बाद में ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पर ऊपर से अगेन मैंने थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल दी और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया। और अभी ये मेरा बन के तैयार है चिकन चिल्ली, थोड़े टाइम के बाद में पूरी तरीके से। बारिश माशाल्लाह से इस साल बहुत सारी हो रही है, और काफ़ी रहमत वाली बारिश हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, उस टाइप की बारिश नहीं है। मेरी हर क्लिप में आप देख के बता सकते हो कि बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन अच्छी बात है, ऐसा मौसम अच्छा भी लगता है। लेकिन बस इतना होता है कि घर से बाहर नहीं निकल सकते, कहीं पर घूमने के लिए नहीं जा सकते। और पता है अक्सर ऐसे टाइम पर है ना, ये नदी के थ्रू है ना, कभी कभार मगरमच्छ वगैरह भी किनारे पर आकर बैठ जाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा एडवेंचरस लगता है कि देखने के लिए मिल जाए कहीं से मगरमच्छ। अच्छा, तो ये है ना चूरन है, चूरन की रेसिपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे कोकन में है ना, जब भी औरतें बच्चे डिलीवर करती है ना, तो उनके लिए ये ज़रूर से बनाया जाता है। इसको चूरन कहते हैं। तो उसको बनाने के लिए नॉर्मली नारियल ले लेते हैं क्रश करके, उसके अंदर गुड़ डालते हैं, अजवाइन डालते हैं काफ़ी सारा, और फिर उसके बाद में इसके अंदर नमक भी डाल देते हैं। यहाँ पर मेरी मम्मा मुझे ये तैयार करके दे रही है, मैंने नारियलों को क्रश करके दे दिया था। यहाँ कुछ दो नारियल मैंने क्रश करके दे दिए थे। क्रश करना कहते हैं,
हमारे लैंग्वेज में तो खबर ना कहते हैं, पर जो भी था तो मैंने क्रश करके दे दिया था। फिर मम्मा ने वो मिक्स कर दिया और यहाँ पर मैंने ये देसी घी का एक बड़ा सा चम्मच डाल दिया है पतीले के अंदर। अब इसको मैं अच्छे से मेल्ट कर लूँगी और फिर उसके अंदर वो जो मिश्रण है ना मैं वो डाल दूंगी। तो ये जो चूरन होता है ना ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यू नो पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में औरत अपनी काफ़ी सारी एनर्जी लूज़ कर देती है, तो फिर जब बच्चा डिलीवर हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको अच्छा खाना खाना चाहिए। ऐसा खाना जिसके अंदर घी ज़्यादा हो, जिसकी वजह से उसको कैल्शियम ज़्यादा मिले, और ऐसा कुछ खाना जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये वाला जो खाना है ना इसको चूरन कहते हैं। बाय द वे इसके अंदर नारियल है, गुड़ है, अजवाइन है। अजवाइन भी पेट वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है और बच्चे की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है अजवाइन। तो ये सारी चीज़ें डालकर ऐसा एक चूरन सा बनाया जाता है और ये नॉर्मली भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी भी लगता है और काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, तो हमारे यहाँ पर ये अक्सर बनाया जाता है और ट्रेडिशनल है, मतलब काफ़ी सालों से औरतें ही खाती है। तो यस, ये रही इसकी रेसिपी। और मेरी मम्मा के यहाँ पर है ना एक मुर्गी है, ये फिलहाल वो बेचारी अंडे पर बैठती है, इस वजह से एकदम शांत सी है, तो वो गेहूँ शौक से खाती है, मैंने उसको गेहूँ दे दी है। और फिर मेरा ये फाउंडेशन का बॉटल टूट गया, इसके साथ साथ मेरा रोल भी टूट गया। यही होता है जब बच्चों की हड़बड़ी में आपको कुछ समझ में नहीं आता, और आजकल मैं कोई इतना ज़्यादा ठूंस रही हूँ ना जंक फूड को, मैं पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हूँ और मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वेल, तो आज हम लोग गए थे मार्केट में, शहर में गए थे, जब वापस आए तो हम लोगों ने ये लेके आए थे, ये केले, फिर मिर्ची और ऑफकोर्स समोसे, जिनको थोड़ी देर पहले मैं ठूस रही थी। मतलब मैं कोई इतना ज़्यादा जंक फूड खा रही हूँ ना आजकल, मुझे वाकई में इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद में ये सोसाइटी की चाय, ये काफ़ी कड़क होती है, सारी सुस्ती इससे उड़ जाती है, तो ये बढ़िया लगती है चाय। और आजकल मुझे एक नई चीज़ मिल गई है, कॉफ़ी बीन्स को क्रश करके चाय के अंदर डाल देना, मस्त, बहुत सही लगती है वो दूध वाली चाय। फिर हम लोगों ने उमर के लिए ये पाइनएप्पल केक का एक ब्रेक लिया, फिर रवा, और मैं सोच रही हूँ कि रवे और मैदे के साथ में मैं कुछ रेसिपीज ट्राई करूँगी, जैसे कि खजूरें, ट्रेडिशनल कोकनी डिश है। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिएगा, अगर आप नया देख रहे हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं रेसिपीज़ वगैरह बीच बीच में शेयर करती रहती हूँ। फिर वहाँ पर ये वर्मिसली, मैदा और ऐसे ट्रेडिशनल कोकनी रेसिपीज़ जो काफ़ी टेस्टी होती है, आपको वो सारी देखने के लिए मिल जाएंगी मेरे चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका भी कोई ऐसा रिक्वेस्ट है ना कि आपको किसी चीज़ की रेसिपी देखनी है, किसी ट्रेडिशनल कोकनी खाने की, तो आप मुझे ज़रूर बताओ, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगी बनाने की। अच्छा, तो यहाँ पर वो पानी पूरी की बूंदी, पानी पूरी का मसाला, फिर उसके बाद में ये वर्मिसली जो कि शीर खुरमे में भी यूज़ होती है या फिर नॉर्मल इसकी शेव भी बनाते हैं, फिर ये डांगर पीठ है, ये हमारे इधर ये भी बहुत ज़्यादा चलता है, काफ़ी हेल्दी होता है डांगर पीठ खाने के लिए। और फिर साथ में ये मूँगफली शेंगदाने, और साथ में ये लज्जत पापड़, जिसके अंदर आजकल कहा जाता है कि कोई लज्जत नहीं बची है, बट स्टिल वी ईट दिस क्योंकि आदत से मजबूर, क्या ही करे। वर्मिसली का एक और पैकेट और ये कॉर्न के क्रेनल्स, मैं अक्सर यही लेके आती हूँ क्योंकि वो जो पैकेट वाले आते हैं ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होते, मैं इनको नॉर्मल मैं अपने घर में तेल और नमक के साथ में बना लेती हूँ। फिर उसके बाद में थोड़ा गुड़, जो गुड़ अच्छा लगता है चावल की रोटी होगी उसके साथ में, गेहूं की रोटी के साथ में नाश्ते बनाने के लिए। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये पाइनएप्पल खरीदा, ये छोटू सा प्यारा सा पाइनएप्पल, और जब मैंने इसको काटा ना तो ये बिल्कुल मीठा नहीं था, लेकिन इसके अंदर से सीड्स काफ़ी मिले, उमर ने उनको लगा भी दिया गार्डन में, देखते हैं अभी क्या होता है। तो और साथ ही साथ मूंगफली भी है, तो ये मूंगफली जो है उसको बाद में हम लोगों ने उबाल लिया था, और उबाल के बड़ी अच्छी लगती है, और ऑफ कोर्स इसके ऊपर सारी मिट्टी वगैरह तो है ही, लेकिन अच्छी तो लगती है। कि आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में, तुम्हें